बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाज़रीन, इलेक्शन नज़र आ गया है और इस सिलसिले में जो तारीख सामने आई गुज़श्ता रोज़, वो आई थी 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात। तो अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, किस्म का कोई इबहाम नहीं है कि पाकिस्तान में अगले साल जो इंतखाबात हैं 2024 में, वो 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात होंगे। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जो हैं वो हमें एक पेज पर दिखाई दिए, और इसमें जो ख़ास सहूलतकार का किरदार था या सहूलतकारी जो की गई, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की गई। और ये सहूलतकारी इतनी कामयाब थी कि इसमें हमने देखा कि आज वो केस जो कि 90 रोज़ में या 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने से मुतालिक जो दरख्वास्तें थीं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत थीं, वो तमाम दरख्वास्तें भी निपटा दी गई हैं। और अब तारीख जो है वो सामने आ गई है, मुल्क में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। जी हाँ, और पहले ये मामला जो कि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सी सियासी जमातें शक व शुबे का इजहार कर रही थीं, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है कि मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी 2024 को होंगे। हमने देखा था कि इससे पहले जब सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ भी कर दी थी, हालांकि उनके पास आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत ये इख्तियार था कि वो इंतखाबात से मुतालिक तारीख जो है दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये अपना इख्तियार बाकायदा तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसकी आज बाज़गश्त उस केस में भी सुनाई दी जो कि ज़ेरे समाअत रहा, जिसकी दरख्वास्तें आज निपटाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त तजवीज़ किया गया, तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम के बाद अब इख्तियार सदर मुमलिकत के पास रहा ही नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये सवाबदीद है कि वो इलेक्शन से मुतालिक तारीख का ऐलान कर सकता है। और यही वजह थी कि कोई मुलाकात नहीं की गई, लेकिन जब सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात ना हो सकी, कोई तारीख सामने ना आई और मामला अदालत में गया, तो फिर अदालत की जानिब से हुक्म सादिर हुआ। और जब अदालत ने हुक्म दिया तो हमने देखा कि आनन फानन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपनी टीम को लेके, मेम्बरान को लेके फौरन ऐवान सदर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने 2-3 तारीखें तजवीज़ की और उन्होंने कहा कि जी ये तारीखें हैं जो कि बनती हैं और इस पर हम इलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त बात नहीं बनी और वो खाली हाथ जो है वो लौटे अपने दफ्तर इलेक्शन कमीशन के। और उसके बाद फिर जो अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से एक अहम किरदार अदा किया गया, वो सदर मुमलिकत के पास गए और फिर उसके बाद वो पैगाम लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आए, और फिर हमने देखा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऐलामिया जारी किया गया, और उस ऐलामिया में ये कहा गया कि जी मुल्क में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे, जो कि जुमेरात का दिन बनता है। अब इस पर कुछ एतराज़ात भी सामने आ रहे थे, और जैसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो सदर मुमलिकत क्योंकि माजी में कुछ बिल्स पर उन्होंने दस्तखत ना करने की बात अपने ट्वीट में कर दी थी, लिहाजा आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब ये नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया कि जी ये आ गया है और सदर मुमलिकत इतफाक़ कर बैठे हैं, तो उस पर शक व शुबे का यानी कि इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि दस्तखत किधर हैं सदर मुमलिकत के, आप दस्तखत तो लेकर आए उनके। तो वही बात कि माजी में क्योंकि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स या कह लेंगे प्रेसिडेंट सेट हो चुकी थी, लिहाजा हमने देखा कि अदालत ने कहा कि जी दस्तखत कराकर लेकर आएँ। तो फिर जब सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत शुदा कॉपी जमा कराई गई है अदालत उज़्मा में, तो फिर इंतखाबात की जो तारीख है वो बाकायदा तौर पे दे दी गई, यानी उस पर इत्तफाक़ हो गया, दरख्वास्तें निपटा दी गईं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी मुल्क में इंतखाबात होंगे 8 फरवरी 2024 को। और साथ साथ पाबंदी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि अब किसी ने टीवी पर बैठकर ये बात नहीं करनी कि इंतखाब होंगे या नहीं होंगे, ये गुफ्तगू होनी ही नहीं है। आप टीवी पर बात नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी से बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि टीवी पर ना कोई टिकर चलना चाहिए और ना कोई बात होनी चाहिए कि जी अब इंतखाब होगा या नहीं होगा, अलबत्ता आप टीवी पर ना करें, बीवी से जो है वो आप अपनी बात कर सकते हैं, बीवी को आप बता सकते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया का दौर है,
टीवी पे जाहिर है हम बात नहीं करेंगे, कोई भी टेलीविजन बात नहीं करेगा वरना उसको पैमरा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब हमें मुकम्मल यकीन है, सबको एतबार हो गया है और कोई शक व शुबा नहीं है कि मुल्क में जो आम इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी 2024 को ही होंगे और इस सिलसिले में अब अदालत की जानिब से भी पाबंद कर दिया गया है। सवालात हैं, वो सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। आइन की खिलाफ वर्जी किसकी तरफ से की गई? सदर ने की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुई, और साथ साथ ये भी कि अगर जुमेरात के अलावा फ़र्ज़ करें कि कोई दिन होता है इतवार का, तो ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी हम तो चाह रहे थे इतवार का दिन हो और तारीख जो है वो जुमेरात के दिन आ गई। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि पाकिस्तान की तारीख में 1970 से लेके आज तक जितने इंतखाबात हुए हैं वो कोई भी इतवार के रोज़ नहीं हुए, अलबत्ता उस दिन आम तातील ज़रूर होती है। तो ये भी जो एक लोगों को शक व शुबा था, शायबा था, वो भी ख़त्म हो गया। आज हमने देखा कि असद कैसर साहब को एंटी करप्शन KP ने गिरफ़्तार कर लिया है एक खुर्द बुर्द के मुबैना इल्ज़ाम पर, जबकि हाफिज़ाबाद में जहांगीर तरीन साहब ने एक अपना मजीद जलसा कर दिया है IPP की जानिब से, और उसमें ख़िताब करते हुए उन्होंने एक लाइन दी, उन्होंने कहा है कि हमें सुपर स्टार नहीं सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। ये जो सवालात हैं, क्या होने जा रहा है, बयानियाँ क्या बनने जा रहे हैं, क्या सब जो हैं वो खुश है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं साबिर बलोच साहब, खलील ताहिर संधू साहब, हाफिज़ एहसान अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में इंतखाबात अगले साल यानी 2024 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात होंगे और ये तारीख जो है अब बिल्कुल फ़ाइनल है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और अब मेहमान जो है हमारे साथ मौजूद हैं साबिर बलोच साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि खलील ताहिर संधू साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर क़ानून हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं ज़रा जाता हूँ सियासतदानों की तरफ, थोड़ा सा ज़रा हम जो कानूनी मामला है ज़रा हाफिज़ साहब से थोड़ा सा समझ लें। हाफिज़ साहब, जो आज अदालत में मामला ठीक है कि केस जो है वो निपटा दिया गया, दरख्वास्तें निपटा दी गई, लेकिन सर कुछ बातें जो कि रिकॉर्ड पर आईं वो आपके ख्याल में तश्वीशनाक थीं? मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये बताऊं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर आइनी तौर पर असेंबली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है और हैरान कुन तौर पर सदर के पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार नहीं था लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। सर ये नॉर्मल बात है या कोई तश्वीशनाक बात है सदर मुमलिकत के लिए खास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया। आज और कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स हुई है वो बड़ी रिकन्सिलिएटरी मीडिएटरी और उसके बाद ये था कि चीज़ों को किसी नतीजे पे पहुंचाने की प्रोसीडिंग्स थी और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था वो था उस सारे बेंच का, जिसको ये जिसके मुतमईन नज़र ये था कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन का कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए और इस मुल्क को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इलेक्शन मोड के अंदर लेके जाया जाए जो 9 अगस्त से या 9 अगस्त से पहले इस मुल्क के अंदर एक चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसीडिंग जो आर्टिकल 184(3) के नीचे चल रही थी, अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन के अंदर जाती तो जो पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया है 2023 का, फिर सुप्रीम कोर्ट को एक 5 मेंबर्स बेंच बनाना पड़ना था और उसके बाद आपको पता है कि फिर अपील भी थी और बात बहुत आगे जानी चली जानी थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सारी चीज़ को इस तरह कंक्लूजन की तरफ लेके गए कि इस मुल्क के अंदर एक जो अनसर्टेनिटी है अबाउट द इलेक्शन उसको ख़त्म किया जाए और उसके अंदर दो ही इंस्टीट्यूशन जो इम्पोर्टेंट थे, एक था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट थी कि क्या प्रेसिडेंट का इख्तियार था या नहीं था और क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था, इसके ऊपर दो राय जो है वो मौजूद है। एक राय ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसकी एक हिस्ट्री भी है कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन डेट देने का इख्तियार नहीं दिया। पहला पाकिस्तान के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया 1976 जो है उसके अंदर ये इख्तियार जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया, उसी के मुताबिक आपके 1977 के हुए और जब जनरल ज़ियाउल्लाह इस मुल्क के अंदर आए तो 1985 के जो इलेक्शन होने लगे थे उससे पहले उन्होंने 1976 के एक्ट को अमेंड किया और अपनी पावर को वहां पे लेके आए, जिसको पार्लियामेंट ने 2017 के अंदर एक नया लॉ बनाया, पहले उसको कंटिन्यू किया और फिर 2023 के अंदर उसको अमेंडमेंट से फारिग कर दिया। ठीक, लिहाजा बात यह है
कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अगर 48(5) के नीचे असेंबली को डिसॉल्व किया जाए तो प्रेसिडेंट का इख्तियार है, और अगर 58(1) के नीचे किया जाए ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त सदर का इख्तियार नहीं था। और ये बहस चलती आ रही थी, फिर आर्टिकल 153 आया कि जी सेंसस नोटिफाई किए बगैर 51(5) का ना था। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इंपॉर्टेंट रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया और एक चीज को स्टेलमेट के अंदर रखा। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी और हमारे सामने पंजाब और केपीके के इलेक्शंस की एग्जांपल्स थी जो नहीं हो रहे थे, उस वक्त जब असेंबली को डिसॉल्व किया गया बावजूद इस चीज के आर्टिकल 51(5) जो डीलिमिटेशंस का था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोएक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए था और साथ ही जो जनरल इलेक्शंस की वो डेट दे देनी चाहिए थी, और डेट यही बननी थी जो जनवरी का आखिरी दिन है, चूंकि 90 दिन का पीरियड जो है वो आपका 120 दिन का पीरियड खत्म करके उस चीज पे आती है। अब ये मामला जो टू के था अनसर्टेनिटी की तरफ था, एक तरफ 51(5) था, दूसरी तरफ 224 था, और उसके अंदर वो सारी पार्टीज जो थी जो 90 दिन कह रही थी वो सारी की सारी हुकूमत का हिस्सा थी और उनके दौर के अंदर ही सीसीआई आया। तो ये जो पॉलिटिकल कंफ्यूजन थी या लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन थी, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 9 अगस्त को रिजॉल्व कर सकता था। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो पहले पिछले चीफ जस्टिस साहब के पास पटिशन आई, अब इसके अंदर जो 2 दिन की हेयरिंग हुई, एक उससे पहले हुई जो नोटिस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेड के ये डिसाइड करे कि ये चीज है इलेक्शन कमीशन की या प्रेसिडेंट की, वो नहीं, और उन्होंने एक फैसला किया और वो सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, और इसका क्रेडिट जो है मैं समझता हूं पाकिस्तान की सारी पोलिटिकल पार्टीज को भी जाता है जो उसके अंदर मौजूद थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, लॉयर्स को। अब बात जो है 8 फरवरी की हद तक खत्म करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल जो है वो आपका प्रेसिडेंट का। हाँ सर, मैं आ जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ जरा, क्योंकि आपने एक बात ऐसी कर दी और ये हमने देखी भी कि जी तमाम सियासी जमातें जो हैं बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जी वो ठीक है जी बात हो गई, लेकिन मसला ये है साबिर बलोच साहब, सर आप लोग भी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मुतालबा कर रहे थे कि जी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और चलो अगर देर हो भी गई है तो आप बजाय ये कहने के कि जी जनवरी के फला हफ्ते में होंगे, आखिरी हफ्ते में होंगे, आप तारीख दें। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जाता था या उसकी जो तौजीह एक पेश की जाती थी बाज तजियाकारों की जानिब से या उन सियासी रहनुमाओं की जानिब से जो बहुत शिद्दत से मुतालबा नहीं कर रहे थे, वो कहते थे कि जी इलेक्शन शेड्यूल भी देना पड़ जाएगा इलेक्शन कमीशन को। तो अब तो सर तारीख दे दी है ना, अब तो तारीख दे दी, जब डंडा चला है सुप्रीम कोर्ट का तो तारीख देनी पड़ गई, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल अभी भी नहीं आया। कैरेट एंड स्टिक वाली प्रोसीडिंग्स थी आज और कल की जो थी जी, वो कैरेट एंड स्टिक भी थी, एक तय कि भी ठीक हो जाओ बंदे बन जाओ, और दूसरी तरफ था नहीं बनोगे तो आर्टिकल 6 अवेलेबल है, इशारा दे दिया है। सर साबिर बलोच साहब, सर मेरा ये सवाल था कि आप लोग एतराज जब कर रहे थे तो दूसरी तरफ का जवाब ये आता था कि जी अगर तारीख हमने दे दी तो शेड्यूल भी साथ देना पड़ेगा, अब क्या हुआ सर शेड्यूल नहीं दिया तारीख देनी पड़ गई? तो शेड्यूल ये क्या बात हो गई? देखो हर चीज एक तरीकेकार होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकेकार होती है। अच्छा इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, उसका काम यह है कि ये ना कहना कि जनाब के साल के आखिर में होगा, महीने के आखिर में होगा या जुमे के आखिर में होगा, इस तरह नहीं होता। तरीकेकार ये है कि उनके पास उनको जो इख्तियारात हैं इलेक्शन एक्ट के तहत, आर्टिकल 57 इलेक्शन एक्ट के तहत जो इख्तियारात हैं वो तो उनको तारीख और उनको शेड्यूल देना पड़ेगा। एक्चुअली अब आप देखें यहाँ पर कितना मजाक किया गया इलेक्शन के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने भी वजाहत कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के 186 के तहत प्रेसिडेंट को ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रेफर किया फॉर एडवाइस टू सुप्रीम कोर्ट। किस बात की एडवाइस? जब आपका इख्तियार है, आइन आपको इख्तियार देता है 186 का, तो आप 186 के तहत आप इलेक्शन डेट अनाउंस करते हैं जनाब, वो नहीं किया गया, डिले होता गया मामला। अच्छा अब उसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब की तारीख दे दें बता दें, लेकिन आप प्रेसिडेंट के पास जाके उनसे भी जो है ना राय ले लें, तो ये क्या है भाई? ये कभी प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट भेज रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के पास भेज रहा है। अच्छा अब वो आके जनाब बैठ के कहते हैं कि जी कि 11 तारीख की बजाय हम 8 तारीख को कर रहे हैं, चलो भाई 8 तारीख को अब कर रहे हैं। लेकिन देखो पीपल्स पार्टी का असल मसला कुछ और है, हम अपने बाजी को देखते हैं, हम अपने पुरानी बातों को देखते हैं,
हमारे साथ जो इलेक्शन कमीशन के रवैये हुए हैं, हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये हुए हैं, हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट के जो रवैये हुए हैं, 88 के आप इलेक्शन देखें, हम जो है ना थंपिंग मेजॉरिटी में आ रहे थे, लेकिन रास्ता रोका गया। अच्छा, लेकिन हम चूंकि उस वक्त एक इतने बड़े बड़े बहरानों से निकले थे कि बीबी साहिबा ने कहा कि जनाब अब आप देखें, भुट्टो साहब की शहादत हुई थी, आसिफ अली खान 12 साल जेल में थे, बीबी साहिबा जो है ना वो उसको इस कोर्ट में, उस कोर्ट में बच्चे छोटे थे, इन सबको उनकी प्रॉब्लम, पार्टी के लोग जेलों में कोड़े। अच्छा, तो अल्टीमेटली जो ना थोड़ी बहुत उन्होंने लचक दिखा दी, लेकिन लचक दिखाने के बाद मजबूरन उन्होंने ज़बरदस्ती आके पंजाब की हुकूमत नवाज शरीफ को दे दी, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी। लेकिन आप यकीन कर लें कि जब गुलाम सा खान को, जिसको हमने पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, हमने उसको इलेक्ट करवाया, लेकिन क्वेटा तशरीफ लाए, प्रेसिडेंट को हम मिलने गए, हम असेंबली के मेंबर्स, यानी उसको अभी आए हुए बीबी साहिबा को तकरीबन दो हफ्ते हुए, दो हफ्ते के बाद वो कहना शुरू हो गया कि जी के प्राइम मिनिस्टर साहिबा मेरी बात नहीं मानती है, जो ना हमारे ताल्लुकात, ये सब चीज़ें जो, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। ये सब चीज़ें देख के अब जाहिर है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब वो तो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि भाई कि पुरानी चीज़ें दोहराई नहीं जाएंगी, पुरानी चीज़ें जो है ना अब आप छोड़ जाएँ। मुल्क को आपने इस हालत पे इसलिए रखा है कि यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को कभी आपने छोड़ा नहीं, ये कौन लोग हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते भाई? अच्छा, अब ये बातें जब हम करते हैं तो कहते हैं जी के यानी, लेकिन असल में ये है कि वो लोग कि जो इजी तरीके से आके हुकूमतों में आना चाहते हैं, कॉन्स्पिरेसी साजिश के जरिए आके आना चाहते हैं, कि जो ना पीपल्स पार्टी को कभी ऐसा मौका मिला और न पीपल्स पार्टी ऐसे मौके की कभी तलाश में है और न इस किस्म की यानी साजिशों में वो शामिल है। तो अभी बात यह है कि अभी तो मैं हैरान हूं कि अब पीपल्स पार्टी पर किस बात की आप जो है ना वो सर, पीपल्स पार्टी पर इस बात की तो कहा, आज भी मेरी बात सुनिए ना साहब कि जनाब की ठीक है आठ सर, देखें गिला शिकवा ठीक है, आप कह रहे हैं जी हमें कभी अपना बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं जी हमें तो कभी मिली है, कभी मिली हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। सर बात यह है कि अगर हर दफ़ा सिर्फ जो है वो यही गिला ही शिकवा ही होता रहेगा और उसका तदारुक नहीं होगा जब तक, तो फिर आप हर दफ़ा ये कह के क्या सिंपति की बुनियाद पर सर वोट लेते रहेंगे? ठीक है, आपको मिल गया था 2008 में सर तो वोट, लेकिन ये कह रहे मेरे भाई हम तो आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो उस तदारुक की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जो हमसे किया गया वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन जब रिपीट नहीं होगा तो उसके लिए तो हमें तो कम से कम बताया जाए कि वो कैसा तरीका है, वो कैसे करेंगे आप सर इससे बढ़कर, और क्या तरीके है कि इशारा दे दिया गया है कि जो है वो सदर मुमलिकत ने बज़ाहिर तो गैर आइनी काम कर दिया ना, उन्होंने जो उनका काम नहीं था अदालत के लिए वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, तो उस पर अब कोई ना कोई उसका हल निकालना चाहिए, एक स्टैंड ले लें आप लोग। लेकिन आप लोग भी तो सर मसला है ना, देखें मैं आप सर सुने ना सर बात सुने, पहले आप लोग कहते हैं 90 दिन में इंतखाब कराओ इंतखाब कराओ इंतखाब कराओ, सर फिर फायदा क्या हुआ, 90 दिन तो निकल गए, फिर तारीख आपने कहा, तो सर कहीं एक जगह स्टैंड लेना पड़ेगा ना। आप लोग बॉयकॉट भी नहीं करते, आप लोग कहते नहीं जी हम जो है ना वो बस इसी तरीके से जो है ना इलेक्शन जो है वो हम लड़ते रहेंगे सर, तो फिर तो हल तो कोई निकलेगा ही नहीं जब तक स्टैंड नहीं लेंगे भाई। बाय देखे मेरी बात सुने, सियासत में फैसले लिए जाते हैं, डिसीशन लिए जाते हैं, बाज़ औक़ात फैसले आपके हक में आते हैं और बाज़ औक़ात वो एनालिसिस में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब आप देखें 1960 ज़ियाउल हक़ के ज़माने में 85 में नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए थे, अब वो चूँकि सियासी अमल से बाहर था हर चीज़, सियासत सियासी पार्टियों का कोई ताल्लुक यानी वो उस अमल से बाहर थे, नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन तो कोई तुकी नहीं बनता था, तो पीपल्स पार्टी ने असूली एक बात करके उन्होंने कह दी जब नॉन पार्टी बेसिस पे हैं तो हम पीपल्स पार्टी वाले कैसे उसमें इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अब आप देखें उसके बायकॉट के रद्द अमल में नवाज शरीफ जैसे लोग लीडर बन गए, अगर उसमें अगर हम शामिल होते, अगर हम अपने आप को उसका हिस्सा बनाते तो ये जो लोग आज जो लीडर बने फिरते हैं ये सियासत में इनका तो सर ये अब आपने नवाज शरीफ साहब का नाम ले लिया है, मुझे अब सर मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा संधू साहब की तरफ, मुझे संधू साहब की तरफ जाना पड़ेगा। संधू साहब जो बजायर गुफ्तगू लग रही है साबिर बलो साहब की, वो ऐसा लग रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक किसी मखसूस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट है सर। बहुत शुक्रिया बिल्कुल भाई, आपका और मैं साहब से ऐसी नहीं कर सकता था
इनका मेरा एक तल्लक है, भाइयों की तरह, और इन्होंने हमारे लीडर का नाम लिया, लेकिन मैं फिर भी उस हद तक नहीं जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने कभी ना मोहतरमा के खिलाफ और ना कभी जुल्फकार अली भुट्टो से। सर आप लोग बहुत हद तक जा चुके हैं, आप भी रहने थे, आप बहुत हद तक जा चुके हैं, आप लोगों ने भी गिरेबान पकड़ के घसीट के पेट चाक करने की बात की थी ना सर, की तो थी ना ये तो सर, वो जरदारी साहब के बारे में बात की थी, बिल्कुल की थी, लेकिन मैं जो लीडरशिप है, मैं असल मुझे लीडरशिप इनकी वही थी ना, जुल्फकार अली भुट्टो लीडर नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं अगली हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो कायम करेगी, ये जरदारी साहब कह रहे हैं वो लीड कर रहे हैं, दिमाग ज़हन तो वही है सर पीपल्स पार्टी का। जरदारी साहब मोहतरम है जो भी कहते हैं कहते रहते हैं, अक्सर कहते हैं कि मैं सीट में जा दूंगा, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करेंगे, फिर अबू धाबी में जाके मुलाकातें होती है जनरल मुशर्रफ के साथ। तो इंसान को अपने स्टैंड पे तो जरूर कायम रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बार बार अभी ये फरमा रहे, कौन सा लेविंग प्लेइंग फील्ड इनको चाहिए मुझे बताइए, क्या पंजाब में इनको किसी ने जलसा करने से मना किया है, क्या सिंध में इनको किसी ने काम करने से मना किया, किसी जगह पे ये बात बता दें। मैं बिल्कुल आज एस्टोनिश हो गया सारा बलोल साहब की बात सुनकर कि नवाज शरीफ साहब जैसे लोग लीडर बन गए, भाई लीडर है आपके कायद ने कहा बिलावल भुट्टो ने है असेंबली में खड़े होके, कि मैंने आज तक ऐसा वजीर आजम नहीं देखा, भी नवाज शरीफ के बारे में बात की है, और कौन सा अपना चला सकते हैं सलमान साहब अभी भी मेरे पास भी है, गुफ्तगू की, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट दे दूं, आप कह रहे हैं कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड, वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड जो नवाज शरीफ साहब को मिल रही है, वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही वापस आते हैं उनके जो केसेस हैं उनके जो वारंट हैं वो मुअत्तल हो जाते हैं, और उनका जो फिंगरप्रिंट है वो भी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे हो जाता है, ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो नहीं मिल रही। एहसान साहब आपके साथ है, मेरे सीनियर हैं, मैं भी लायर हूं 1996 से, लेकिन उनसे पूछे कि जब एब्सेंशिया ट्रायल हो या एब्सेंशिया को बात हो तो उसके बाद जब भी होता है अपील जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है और सजा जो पिछली होती है वो अपीलें बहाल हो जाती हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो अभी अभी केस था, मैं भी उधर था इस्लामाबाद में, पांच पांच फुल बेंच की रूलिंग जो है उनको दी गई, ये होता है ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। लेविंग प्लेन फील्ड वो है जब उसको एक बंदा साइकिल मांगता साइकिल दी है, मशीन मांगता मशीन देते हैं, उसको सैर करने के लिए देते हैं, ये ना तो मियां नवाज शरीफ के लिए ये सहूलत थी, ना जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए ये सहूलत थी जेल में, ये है लेविंग प्लेइंग फील्ड, और लड़ना आज भी लड़ना ही है, पता नहीं किसका लड़ना है, लेकिन अब ये जो इलेक्शन होगा ये फेयर एंड फ्री होगा, ये 2018 वाला इलेक्शन नहीं होगा कि 2 बजे तक फेयर और उसके बाद फ्री हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, और जिसको भी आवाम से लेते हैं, 2013 वाला होगा, 2013 की तरह होगा, जिसको आवाम चुनेंगे उसका 5 साल उसको हुकूमत करने का अख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको अख्तियार है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी वाले दोस्त हमारे भाई हैं, पता नहीं क्यों घबरा गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने 79 दौरे किए हैं 1.5 साल में भारत के एज ए फॉरन मिनिस्टर, तो कभी उन्होंने उस वक्त तो कभी नहीं कहा कि शहबाज शरीफ के साथ ऐसा या नवाज शरीफ के साथ ऐसा, पता नहीं इनको इनके कोई खौफ आ गया, मुझे जो लग रहा है चले ये खौफ किस बात पे। खलील साहब सर साथ ही रहिएगा क्योंकि एक ब्रेक का कहा जा रहा है, सर साथ ही रहिए, क्विक एक क्विक ब्रेक, हाँ सर मुझे माजरत, एक क्विक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो जो खौफ जिसका आप कह रहे हैं कि जी शायद शिकार हो रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, उसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हमें बैरिस्टर गौहर खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, वकील हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे हम बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब दो बातें हैं सर, एक तो ये फरमा दीजिए कि सदर मुमलिकत ने तारीख नहीं दी, जाहिर सी बात है, और उनकी तरफ से वो जो एक ख़त भी लिखा गया था 6 नवंबर का, कहा यह गया कि बड़ी उसमें जो है वो होम्योपैथिक सी उन्होंने जो है वो बात की थी, बहरहाल अब तारीख तो आ गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ सुनीद है कि जी गैर कानूनी या गैर आइनी जो है वो काम हुआ है सदर से। हामिद खान साहब जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन दोनों की तरफ से आइन की पाबंदी नहीं हुई है, और दूसरी तरफ अदालत में जो है वो अदालत ने ये कहा कि जी यानी सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आइनी था, और गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है सर, और अब उनसे जो है ना वो मुतालबा भी किया जा रहा है कि वो सदर मुमलिकत जो है वो इस्तीफा दे दें, तो आपका इस पर क्या टेक है? देखिए बात तो ये है, जहाँ तक सदर की इस्तीफे का बात है तो ये तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि जी सदर से भी गलती हुई है तो देखो सदर साहब को बिल्कुल एक डेट क्लियर कट देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने केस पहली मरतबा जब असम्बलियाँ डिजॉल्व हुई थी तो सदर साहब ने डेट दे दी थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना राय दे दिया था, उसके बाद मौजूदा टाइम में जी नेशनल असम्बली डिजॉल्व हुई तो सदर ने एक लेटर लिखा था, इन एनी केस सदर ने 6 नवंबर की डेट तो सजेस्ट तो किया था,
अलबतनी उला के मुताबिक उन्होंने जो एडवाइस ले ली थी जो उनको नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन अगर वो ले लेते हैं तो उन्होंने इन गुड फेथ किया था। बात दरअसल ये है कि गुज़श्ता हुकूमत की और स्पेशली जो गुज़श्ता हुकूमत के बाद केयर टेकर सेटअप रहा, तो केयर टेकर सेटअप भी गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। इनकी बदनीयत ही थी वक्त पे इलेक्शन न कराने का, अदरवाइज डेट इलेक्शन कमीशन ने थी या सदर ने थी, क्या बड़ा फर्क पड़ता है? जिसने भी दी दूसरी की जिम्मेदारी तो खत्म नहीं हो सकती। अगर सदर डेट नहीं देता तो क्या इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाने? इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आईन के मुताबिक डेट ना दे देना सदर की जिम्मेदारी है, दोनों को एक जैसे वक्त पे निभाने चाहिए। अब जबकि सारा ये हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने जितनी ऑब्जर्वेशन दिए इंक्लूडिंग के कोई ये अभाम भी ना पैदा करे कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, तो अभी लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर कि इलेक्शन होंगे कि नहीं इस वक्त पे। सर बिल्कुल, अब तो कोई अभाम नहीं है, कोई अभाम नहीं है, लेकिन कोई अभाम नहीं है कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, अब इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जरूर होंगे। अब इलेक्शन अच्छा कोई फर्क पड़ेगा बैरिस्टर गौर साहब, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि बाज तजिया कारों का ये ख्याल है कि जी जब इतवार का दिन रखा जा रहा था तो इतवार का ही दिन रख लेते, क्योंकि उस दिन जाहिर है छुट्टी होती है, लोग ट्रैवल करना आसान होता है, अपने इलाकों में जाके वोट डाल लेते हैं। बास तजिया कार ये समझ रहे हैं कि जी ये सदर साहब ने जो है ना वो बेसिकली वो गड़बड़ कर दी है कुछ, और जुमेरात का दिन रख के जो है वो टर्न आउट वो कह रहे हैं कि शायद कम हो जाए। डू यू एग्री? नहीं नहीं, जहाँ तक देखे वो डेट से कोई नहीं इतना फर्क पड़ता, दिन से भी नहीं पड़ता। जब भी जनरल इलेक्शन होंगे तो छुट्टी तो वैसे भी होती है, पब्लिक पब्लिक ऑफ होता है उस दिन। लेकिन अगर आप पहले भी जितने भी इलेक्शन देखे, 2018 की ले लें, 13 की ले लें, आप 8 की ले लें, 2002 की ले लें, इनमें किसी एक दिन भी इतवार वाले दिन नहीं, तो जरूरी तो नहीं है दिन का कोई नहीं। बाज ममालिक में जरूर है, ऑस्ट्रेलिया के आईन में लिखा हुआ है कि ये आपके इलेक्शन जो है इतवार मंडे वाले दिन हो, और अगर वो पब्लिक डे आ जाए तो द नेक्स्ट डे हो। इलेक्शन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेकंड ट्यूजडे आप नवंबर हो, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाफिज एहसान अहमद साहब, सर क्विकली अब एक केस तो निमट गया हम देख रहे हैं, अब आपको लगता है कि जो दीगर कुछ ऐसे अहम केसेस हैं वो भी मंतकी अंजाम तक जल्द पहुंचेंगे? देखिए, दो इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं। एक जो नैब का है जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने अपील फाइल की है, उसके भी बड़े लीगल और सीरियस रिप्रिकॉशंस हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी पहली जो जजमेंट है उसको उसी तरह मेंटेन रखती है, जो लार्जर बेंच जो है वह अब एक बनेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के अंदर पार्लियामेंट कर सकती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस और है, और इस इशू को भी जल्दी रिजॉल्व कर देना चाहिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो है आर्मी का, आर्मी लॉज के अंदर जो ट्राई है सिविलियंस की, वो एक ऐसा इशू है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 48 साल से जो एक प्रैक्टिस थी जिसके अंदर उन्होंने मिलिट्री लॉज को वैलिडेट रखा, जिसके अंदर उन्होंने ये होल्ड किया कि ये फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन नहीं है, आर्टिकल 10A चूंकि उसके बाद जो आई आपकी 18th अमेंडमेंट, तो 11(6) के ऊपर एक जजमेंट आई, फिर उसके अंदर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है वो स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए हो सकती है, उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफा आर्टिकल 184(3) के नीचे जाके डेविएट किया है, जिसके सीरियस लीगल रिपरकशंस जो हैं वो आए हैं कि अब आर्मी लॉज के अंदर पाकिस्तान के जो 5 एरियाज हैं जो दुनिया में एक्नॉलेज्ड हैं, जिसकी ज्यूरिसप्रूडेंस एग्रीड है कि नंबर वन, अगर को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करता है या जाता है या वायलेट करता है या ट्रेसपास करता है, वो मिलिट्री लॉज के अंदर ट्राई किया जा सकता है। नंबर टू आपका एस्पियनेज है, स्पाई है। नंबर थ्री आपका यह है कि जो आर्मी के अंदर सिविलियन एम्प्लॉयज हैं वो भी अब आप इस ज्यूरिसडिक्शन से आपने निकाल दिए हैं, क्योंकि आपने 67 के जो दो अमेंडमेंट थी 21D और सेक्शन 59(4) उसको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जबकि आर्टिकल 8 जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है इन सारे लॉज को, लैंड रिफॉर्म को। फिर यह है कि आर्मी के खिलाफ अगर कोई शख्स खड़ा होता है वो इस से निकल गया है। और फिर फाइनली यह है कि जो आपके इंटरनेशनल जो फाइनेंस करते हैं या फंडिंग करते हैं या आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं वो सारे के सारे निकल गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी अब जो मिलिट्री लॉज के मुतालिक आई है, मेरा ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर बैठना चाहिए, चूंकि ऑलरेडी इसके ऊपर 17 जजेस की भी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज की तरफ। साहब सर, अब कहते हैं ना कि मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों ने तो बल्कि जो है वो टिकटों की कीमतें जो है वो भी लगा दी हैं। मैं देख रहा था खबर में कोई 2-2 लाख रुपए का सर कोई आप लोग जो है वो चार्ज कर रहे हैं कौमी असम्बली के टिकट, और 1 लाख रुपए जो है वो सूबाई असम्बली के। मामला शुरू हो गए, इसका मतलब है?
बिल्कुल 10 तारीख तक दरखास्तें जो मांगने की हैं, और बाकी ये वो कीमतें नहीं लगाई है, तो आम पार्टी के लिए सारी पार्टी जैसे करती हैं, कुछ ना कुछ वो फीस लगती है, जाके पार्टी को जब आपने अप्लाई करना है तो थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन है वो करना पड़ता है, ये कीमतों वाली बात कोई नहीं है। हमारी तैयारी शुरू है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आप देखेंगे बिया नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। चलें साबिर बल्लोच साहब, सर फाइनल कमेंट सर, साबिर बल्लोच साहब सर वो ब्रेक से पहले भी कह रहे थे संधू साहब के, वो आप डरे मत घबराए मत, खौफ का शिकार क्यों हो रहे हैं सर? किस चीज हमें कह रहे हैं कि हम खौफ लता है या खौफ के शिकार है? किस चीज का खौफ है भाई? बात है कि जब हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो खौफ लता तो आप होते हैं, हमें किस बात की खौफ की बात है? आप चेयरमैन बिलावर साहब के मुताल्लिक कहा कि जी के वो खुदा ना खासा खौफ ज़दा है, भाई वो देखो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स बिलावर भुट्टो साहब है। अच्छा, अच्छा दूसरी बात है, ज़ाती सूरत में उन्होंने अपने वालिद को 12 साल जेल में देखा, उन्होंने अपनी माँ को शहीद होते देखा, उन्होंने अपनी वालदा को और अपनी फैमिली को पाकिस्तान से उन्होंने एग्जाइल में देखा। अच्छा तो बात यह है कि वो खौफ ज़दा होगा कि या आप जैसे भगोड़े या भागने वाले खौफ ज़दा होंगे? खौफ तो आपको है भाई, पीपल्स पार्टी को किस बात का खौफ है? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को किस बात का खौफ है? हम तो आईन और कानून की बात कर रहे हैं, हम तो दस्तूर की बात करते हैं। सर जिन्हें आप साबिर बल्लोच साहब भगोड़ा कह रहे हैं, जिन्हें आप सर भगोड़ा कह रहे हैं, उन्हीं के साथ आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करते हैं सर, उन्हीं के साथ आप जो है वो अपना वजीर खारजा भी लगा देते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं याद आता सर? वो भगोड़े तो उस वक्त भी थे जब आपके वजीर खारजा जो है वो ट्रेवल करते थे मुख्तलिफ ममालिक में, तो सर भगोड़े तो फिर नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी थे। भाई देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी जरूर बात सुने, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि आपको खुद भी इस बात का पता है कि आप 88 के इलेक्शंस को देखें, 88 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जरदारी साहब ने अपने एफर्ट करके उनको कहा कि भाई आप आए पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में, उनकी पार्टिसिपेशन कराई। अच्छा बीबी साहिबा को जब उन्होंने बीबी साहिबा पे पाबंदी जब हट गई सर, तो उन्होंने वो रास्ता बनाया नवाज शरीफ के लिए और उसके लिए भी उनको भी ये मौका दिया कि वो आके इलेक्शन में लड़े यहाँ पे। आपको याद होगा कि जब पहली कैबिनेट जो है साहब ने बनाई थी तो उस पर जो है ना वो हमें लगता है कि जो है ना वो मुख्तलिफ हो जाती है जब हुकूमत के अंदर या बाहर होते हैं। आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।